3J Education. In today's video, I am going to talk about one of the most popular degree course after 12th commerce, and that is BCom. मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे डिग्री के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं. सो इफ यू मिस्ड अप विद दैट वीडियोस, देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक विच इज मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन, और एल्स यू कैन आल्सो क्लिक ऑन दिस आई बटन. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो, एंड दैट इज BCom. बेसिकली BCom स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स. इट इज कंसिडर्ड एज एन अंडर ग्रेजुएशन डिग्री विद 3 years इंक्लूडिंग 6 semesters. ये जो पर्टिकुलर BCom डिग्री है उसको बहुत ही मोस्ट पॉपुलर डिग्री गिना जाता है आफ्टर 12th कॉमर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th कॉमर्स के बाद ये डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं. अगर मैं इस डिग्री के मोड की बात करूं, देन यू कैन डू डिस्टेंस BCom, ऑनलाइन BCom, और एल्स आप फुल टाइम BCom भी कर सकते हो. इसके अलावा BCom डिग्री जो है उसके 2 types है. 1 इज BCom ऑनर एंड द 2nd इज BCom जनरल. If you want to gain in-depth knowledge related to particular commerce subject, then you can pursue BCom honor. And अगर आपको commerce stream के सारे subjects के बारे में knowledge gain करना है, then you can go with BCom general. So choice is totally up to you. And yes, nowadays ऐसे बहुत सारे institute and colleges हैं जो BCom integrated भी provide करते हैं, जिसमें आप BCom LLB कर सकते हो, BCom MBA कर सकते हो, इसके अलावा आप BCom CMA भी कर सकते हो. ऑलराइट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहता हो, सच एज CA, CS एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो विथ BCom. सो BCom करने में बहुत सारे फायदे हैं. यस, वन मोर थिंग ऑल्सो, कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 12th कॉमर्स के बाद वो एक टच नहीं कर पा रहा कि उसका इंटरेस्ट एरिया कौन सी फील्ड में है, सो उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर है. लाइक अगर आप 3 years BCom में इन्वेस्ट करोगे, एट दैट टाइम यू विल लर्न सो मेनी सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कॉमर्स स्ट्रीम. सो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पर्टिकुलरली ज्यादा इंटरेस्टेड हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन परस्यू MBA आफ्टर BCom, राइट? अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, देन यू कैन डू MCA आफ्टर BCom. सो चॉइस इज टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर BCom. ऑलराइट, सो ये तो बात हो गई BCom जो है उसकी बेसिक डिटेल के बारे में. हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप BCom करोगे, देन वन कैन मेक देयर करियर इन द फिनांस, अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फॉर श्योर. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. सो टू ऑप्ट BCom डिग्री, वन शुड हैव कंप्लीटेड देयर 10+12 इन कॉमर्स स्ट्रीम विद द कंपल्सरीली सब्जेक्ट सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस, देन बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा. काफी सारी कॉलेजेस ऐसी है जो एंट्रेंस एग्जाम के तहत स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है. सो ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा. सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन इन विच कॉलेज यू आर गोइंग टू डू योर BCom. लाइक अगर कोई कॉलेज ऐसी है जो एंट्रेंस एग्जाम के तहत एडमिशन प्रोवाइड नहीं करती है, दे विल फोकस ऑन मेरिट दैट यू हैव गेन स्कोर इन योर 12th. अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो वो एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड स्कोर में ज्यादा डिपेंड करेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में. सी, इफ यू हैव ऑप्टेड BCom, देन यू विल बी लर्न सब्जेक्ट्स सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, देन इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अदर देन दैट कॉस्ट अकाउंटिंग. ये जो सब्जेक्ट्स है वो आप BCom में पढ़ोगे. ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बात कर रही थी कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, लेकिन सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है उसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ. इसके अलावा भी जितने भी टॉप कॉलेजेस है जो ये BCom डिग्री को प्रोवाइड करती है इन इंडिया, उसकी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है. सो प्लीज चेक आउट सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट कि ऐसे कौन कौन सी कॉलेजेस है जो BCom डिग्री को प्रोवाइड करती है. नाउ एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज. सी, BCom एक ऐसी डिग्री है दैट इज नॉट इनफ फॉर मेकिंग अ ब्राइट फ्यूचर. लाइक BCom के बाद आपको मास्टर डिग्री में अप्लाई करना होगा फॉर गेटिंग अ ग्रेट जॉब पोस्ट, फॉर गेटिंग अ गुड सैलरी. ऑलराइट, आप क्या कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप MCA कर सकते हो, आप BCom के साथ CA, CS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, दे कैन अप्लाई फॉर द डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो टोटली चॉइस आपके ऊपर है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास जॉब अवेलेबल नहीं होगी. आपके पास जॉब जरूर होगी आफ्टर BCom, लेकिन दैट विल बी एट अ जूनियर लेवल, यू विल गेट लो सैलरी.
लेकिन व्हेन यू ऑप्ट योर मास्टर डिग्री आफ्टर दैट यू कैन गेन फॉर श्योर अ हायर सैलरी। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने ऐसा डिसाइड कर ही लिया है कि आप बीकॉम के बाद जॉब करना चाहते हो एंड पैरेलली यू विल डू फर्दर स्टडी, देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसी कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है दैट यू कैन गेट आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीकॉम। सो यू कैन बी जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, फिनेंशियल एनालिस्ट, देन टैक्स कंसल्टेंट, देन फिनेंस कंसल्टेंट, अदर देन दैट अकाउंटिंग मैनेजर, business consultant, etc. These are the different job profile that you can get after completing your BCom. Alright? Okay guys, so here I'm done with course detail about BCom degree. Still, if you have any confusion related to any point, feel free to ask me in the comment section. I'll be happy to provide you my reply as soon as possible. See you in my next video with some another interesting topic related to different degree. एंड ऐसे ही बहुत सारे करियर एडवाइस के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन रिलेटेड टू दिस वीडियोस एट फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टू गुड बाय, टेक केयर एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू।